कल अनिल को कॉल आया था, नाबार्ड के स्प्रिंट है, 3 बार नाबार्ड के लिख चुके हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंचे, सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट में ओनली 2 मार्क्स एंड 0.5, दैट इज हाफ मार्क्स से गैप रह गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेंस के ESN ARD में उसका स्कोर जो है एवरेज से अबव ऑलवेज रहता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश उसका वीक होने के कारण से मार्क्स एवरेज से बिलो रह जाता है। अब सेकेंड अटेम्प्ट में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में उसका मार्क्स जो है 45 ओनली रह गया एंड थर्ड अटेम्प्ट में ओनली 52। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि फर्स्टली तो फेज वन का कोई भी स्कोर ऐड नहीं होता फाइनल लिस्ट सेलेक्शन लिस्ट में, मेंस का ऐड होता एंड इंटरव्यू का ऐड होता। इंटरव्यू का जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेटेज होते हैं, क्योंकि 15-20% वेटेज होने के कारण से नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है जो टॉपर्स और एवरेज रहते हैं। सो यहाँ पे सारा गेम चेंजर होता है आपका मेंस पे। अब मेंस में भी यहाँ पे 2 बातें हैं, यहाँ पे 2 सेक्शन हैं, ESI एंड ARD एंड सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ESI एंड ARD वो काफ़ी डायनेमिक होते हैं, उसमें स्कोर जो आपका लेवल है उससे ज़्यादा करना बहुत ही टफ हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, लास्ट ईयर तक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था ESI एंड ARD, उस टाइम तक ये प्रॉब्लम थी आपकी कि अगर आप थ्रू आउट द ईयर डे एंड नाइट करके भी स्टडी करते हैं ESI एंड ARD का, देन स्कोर मैक्सिमम पाना और बिफोर द एक्चुअल एग्जाम यू कैन नेवर बी कॉन्फिडेंट एनाफ हाउ मच स्कोर और हाउ मच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट ओपन इंडियन सेक्शन है। इट मीन्स अगर जो भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेवल आपका है और राइटिंग स्किल ड्राफ्टिंग स्किल के बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यू कैन आंसर परफेक्टली। जैसे नाबार्ड के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 4 सेक्शंस होते हैं, ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग। अब प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन में जो है आउटसाइड इंफॉर्मेशन की कुछ भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे ओनली रिक्वायर्ड थिंग इज ड्राफ्टिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। आपको जो पैसेज दिया गया है प्रेसी में उसको पढ़ना है, उसमें से ही आपको आंसर लिखना, बाहर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ओनली आपके ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग स्किल दैट काउंट्स। कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी सही, क्योंकि जो पैसेज दिया है उसी में से एक्सट्रैक्ट करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंसर्ट एनी एडिशनल आउटसाइड डेटा। अब बात आती है कि लेटर राइटिंग का, लेटर राइटिंग का जो है आपका जो फ्रेम होता है फॉर्मेट होता है उसका एक मेजर कंपोनेंट होता है फाइनल मार्क्स में। अगर आप जो 20-30 लेटर्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली वाट एवर, क्योंकि एक से ज़्यादा टॉपिक वो लेटर राइटिंग के लिए देते हैं, तो आप जो बहुत अच्छे से उसको जो है लिख सकते हैं। अब बात आती है एसे राइटिंग का, एसे राइटिंग में अराउंड 5 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उन 5 टॉपिक्स में आप ये नोटिस करेंगे, पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के, जो ऐसे के टॉपिक्स रहते हैं वो काफ़ी जनरलिस्टिक होते हैं, ना कि कोई स्पेसिफिक और नॉलेज बेस्ड होते हैं। अब जर्नलिस्टिक और डैट टू जो है अराउंड 5 ऐसे टॉपिक्स, इट मीन्स आपका कोई ना कोई एक टॉपिक आपके लिए फैमिलियर हो जाते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप जो सेलेक्टेड मोस्ट प्रोबेबल ऐसे टॉपिक के ऊपर आप जो काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेन आपको जो करने की जरूरत है वो ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग स्किल का, यहीं पे वो मिस कर रहा था अनिल। अब अगर हम ये हम इम्पोर्टेंस तो देख चुके हैं कि मेंस का कितना ज़्यादा क्रूशियल रोल है, अगर आप नाबार्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इट मीन्स यू हैव टू मेक द 80% योर डिवोशन एंड फोकस इन द मेंस, क्योंकि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ऑब्वियस बात है प्रीलिम्स तो ओनली क्वालिफाइंग है, वहाँ मेंस में पहुँचने के लिए इंटरव्यू ओनली आपका ये है 50-20% वेटेज जो कि मेजर चेंज नहीं लाएगा, जो इंटरव्यू में एवरेज के स्कोरिंग होंगे और जो टॉपर्स होंगे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मार्क्स का गैप नहीं होता है, आप ये कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मेंस का रोल होता है। मेंस में इस साल 2021 को सिलेबस चेंज होने के कारण से डिस्क्रिप्टिव ESI एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों मिला के आपके जो मेंस के पेपर होने वाले हैं नाबार्ड के फेज 2 2021 3.5 आवर्स के टोटल टाइमिंग है, जिसमें से आपका 3 आवर्स ओनली डिस्क्रिप्टिव एंसर राइटिंग आपको लिखना है, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव ESI एंड ARD। 1.5 घंटे का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होगा, जिसमें आपको एसे लेटर प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, एंड 1.5 घंटे का आपको जो डिस्क्रिप्टिव ESI जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं और आपको दिए जाएंगे 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे, जो 15 मार्क्स के होंगे उसके लिए आपको 600 वर्ड्स में लिखना है, और जो 10 मार्क्स का होगा उसके लिए आपको 400 वर्ड्स में लिखना है। अब यह देखने वाली बात है
डेढ़ घंटे का जो डिस्क्रिप्टिव ईएसआई एंड एआरडी का पेपर है उसको मैं उसमें आपको टोटल 2000 वर्ड्स लिखना है, 600 वर्ड्स के दो क्वेश्चंस, 400 वर्ड्स के टू क्वेश्चंस, टोटल जो है 2000 वर्ड्स में आपको लिखना है। इट मीन्स मेंस में आपका जो है ऑलमोस्ट 80% जो है आपका टोटल डिस्क्रिप्टिव एंसर राइटिंग लिखना है, और डिस्क्रिप्टिव एंसर राइटिंग में ओनली ड्राफ्टिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल ये मेजर कंपोनेंट रहता है। नॉलेज डेफिनेटली ऐसे के लिए आपका जो है मैनेज हो जाती है, आपने आपको टॉप 30 प्रोबेबल टॉपिक जो हमारे वेबसाइट पर प्रोवाइड किए जाते हैं एवरी एग्जाम्स के लिए, अगर आप उसमें से कर लेते हैं डेफिनेटली आपको वहाँ मैच कर जाते हैं और आपके वो डेटाबेस से के बेस पे आप बड़े अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ आती है ईएसआई एंड एआरडी का, डेफिनेटली ईएसआई एआरडी के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, नो डाउट, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आप ये नोटिस कीजिए कि जो ये सिलेबस जो चेंज हुआ है नावार के लिए ये फर्स्ट टाइम है, बट सेम सिलेबस के साथ जो आरबीआई ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है मार्च में। अब मार्च में जो सिलेबस और पैटर्न चेंज हुआ था आरबीआई का ईएसआई के लिए, नावार में भी सेम टू सेम वही है। अब सेम टू सेम होने से ऑब्वियसली बात है कि सारे क्वेश्चन का पैटर्न एवरीथिंग दे हैव फॉलोड द आरबीआई पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईएसआई के लिए भी जो है ज्यादा वो टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, वो जर्नलिस्टिक बाय नेचर ही पूछ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट में। तो यहाँ पे आपको टोटल जो फोकस रखना है वो राइटिंग स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल इंक्लूडिंग नॉलेज जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें कि जो लाखों स्टूडेंट को प्रिपेयर करवाने के बाद जो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइटिंग का, हमने ये नोटिस किया कि अधिकांश एस्पिरेंट कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं डेट इज फोर जो कि अधिकांश लोग करते हैं। उनमें से पहला है फर्स्ट कि वो एमएस वर्ड या नोटपैड, अगर वो नॉलेज गेन करने के साथ वो प्रैक्टिस जो करते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग और इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, वो एमएस वर्ड या नोटपैड पे जाके करते हैं जो कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं है। आप ही बताइए, अगर आपको स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है क्या आपको स्विमिंग पूल में जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर फील्ड में जाकर करना चाहिए? ऑब्वियसली स्विमिंग पूल में। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको जो इंटरफेस दिया जाता है वो आरबीपीएस के द्वारा दिया जाता है। आईबीपीएस जो है एसबीआई, आईबीपीएस पीओ, नाबार्ड, आरबीआई, सेवी, आईआरडी, ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसके कारण से डिस्क्रिप्टिव एंसर राइटिंग का जो इंटरफेस आईबीपीएस देता है वो कॉमन होते हैं इन सारे एग्जाम्स में। अब उस आईबीपीएस जो इंटरफेस देता है एंसर राइटिंग के लिए उसका जो बॉक्स होता है, आप में से जो लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है फेज टू किसी भी ये बैंकिंग एग्जाम्स में, ये नावार, आरबीआई, सेबी, आईबीपीएस, एसबीआई, कोई सा भी, आपने ये नोटिस किया होगा कि उसमें लिखना बहुत ही टफ है, क्योंकि वहाँ पे स्किल जो रहता है जहाँ टाइप आप कर सकते हैं बड़ा ही टिपिकल होता है, मतलब वहाँ पे गिवन टाइम में एंसर को कंप्लीट करना बड़ा ही चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे ये जरूरत हो जाती है कि आपका सिमिलर इंटरफेस पे आप लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार मॉक टेस्ट लें और पेपर इवेलुएट कराएं ताकि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें और कंफर्टेबल हो सकें। नहीं तो फिर यहाँ पे मेजर ये हो जाता है जो नॉलेज लेवल है राइटिंग, इवन राइटिंग स्किल भी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया सिमिलर इंटरफेस पे, सारी चीज कोलैप्स कर जाती है। आप फीडबैक उठा के देख लीजिए, रिव्यूज देख लीजिए, जो कैंडिडेट सेवी 2021 जनवरी फरवरी 27 को पार्टिसिपेट किए थे, आरबीआई में पार्टिसिपेट किए, पिछले साल नावार में किए थे जो सितंबर में हुई थी, सारे में कैंडिडेट का एक मेजर हर्डल प्रैक्टिस कभी नहीं किए थे प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे जो है उनका जो पेपर अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क था और चैलेंज था। अब सेकेंड जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो नॉलेज गैदरिंग पे करते हैं रादर प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल। अधिकांश स्पिनिंग की एक ये कॉमन हैबिट है कि डिस्क्रिप्टिव की जहाँ बात आती है तो वो ये करना शुरू करते हैं कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर जो जितना मैक्सिमम नॉलेज होता है वो गेन करने की कोशिश करते हैं, और माइंड सेट ये होता है कि एग्जाम में जो है जो नॉलेज रहेगा उसके बेस पर तो हम लिख के आ जाएंगे। सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक होता है कि यहाँ सारे काउंट होते हैं ड्राफ्टिंग और राइटिंग स्किल, और वो जब तक आप प्रैक्टिस एडवांस में काफ़ी ज़्यादा नहीं कर लेते कभी नहीं परफॉर्म कर सकते एग्जाम में। यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम और भी आती है, एग्जाम हॉल ऑलमोस्ट आप में से सारे लोगों ने कोई ना कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट डेफिनेटली किए होंगे, प्रीलिम्स, मेंस, तो उसमें आपने ये नोटिस किया होगा जब आप एग्जाम हॉल में रहते हैं उस टाइम आपका मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर और भी कई तरह के होते हैं इफेक्ट्स, जिसके कारण से आप अपना मेंटल कैपेसिटी 100% जितना कि आप घर पे रह के इस्तेमाल करते हैं मुश्किल होता, ऑलमोस्ट वेरी वेरी चैलेंजिंग, काफ़ी चीज़ों का वहाँ पर प्रेशर होता। तो यहाँ पे ये काउंट होती है अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया, जैसे ऑब्जेक्टिव सेक्शंस में ये मैनेज हो जाती है एग्जाम हॉल में, जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है
उसके बेस पे आपके जो क्वेश्चन पूछे गया है मैथ, ये हुआ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड जो 100% कैपेसिटी के साथ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में चाहिए। डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस में जब तक आपका 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रैक्टिस इनफ नहीं रहेगा, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों में जब तक आप, क्योंकि आपको सारा कुछ वहाँ दिया गया है, वहाँ पे आपको जो एनालिसिस करना है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अपने 100% कैपेबिलिटी आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप वहाँ पे प्रेशर में रहें, टेंशन में रहें, मुश्किल, उसके लिए बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए मॉक टेस्ट और डिफरेंट इवेलुएशंस के साथ। अब बात आती है कि आपका एसे के लिए, तो एसे के लिए जो 5 टॉपिक दिया गया, जो आपके नॉलेज बेस है उसके बेस पे आपको लिखना है बेस्ड ऑन द राइटिंग स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल। अगर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और मेंटल कैपेसिटी वहाँ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, मेंटल प्रेशर चैलेंज हो जाता है आपको परफॉर्म करना बेटर, सारा मेहनत के रहे पे पानी फिर जाता है अगर आपकी ये सिचुएशन आती है वहाँ पे। तो अब तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक आती है, आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, अधिकांश जो कैंडिडेट लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करते हैं एमएस वर्ड नोटपैड कहीं भी, वो पेपर को चेक नहीं कराते हैं कोई मेंटर से, कोई एक्सपर्ट से, कोई फैकल्टी से। यहाँ पे ह्यूमन टेंडेंसी होता है, आप जो भी करते हैं उसकी गलतियाँ आप खुद निकालना मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट डिफिकल्ट होता है। उसके लिए आपको कोई ना कोई एक सामने वाला बंदा चाहिए जो उस सब्जेक्ट और फील्ड का एक्सपर्ट हो। अब यहाँ आती है कि आपका जो भी आंसर आपने, फॉर एग्जांपल एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर और फुल मॉक, आपने जो भी अटेम्प्ट किया है, जो भी आपने लिखा है, डेफिनेटली आप अपने 100% कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे और 100 तो, लेकिन फिर भी गलतियाँ तो हमेशा रह जाती हैं, हर एक जगह गलतियाँ और इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता। तो ये जब तक आपके पेपर चेक नहीं किए जाते हैं तब तक ये पता नहीं लग पाती है, और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए ताकि आपका इम्प्रूव होता रहे जो भी आपका लेवल है, चाहे वो आप काफी हाई लेवल का राइटिंग स्किल हो, एवरेज हो या फिर बिलो। अब यहाँ पे एक और भी बात आती है कि आप एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो आप वो सारी गलतियां भी करके आ जाते हैं जो इजीली अवॉइड किया जा सकता था। इवन कई सारे स्टूडेंट तो टाइम मैनेजमेंट और भी कई सारे फैक्टर्स के कारण से वहाँ पेपर अटेम्प्ट करने में दोबारा प्रूफ रीड नहीं कर पाते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने लिखा है एक बार गो थ्रू नहीं हो पाते टाइम लैग के कारण से और कई सारे फैक्टर्स के कारण से, एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। क्योंकि अगर आपने जो भी लिखा है दोबारा एक बार रीड नहीं किए, डेफिनेटली आप बहुत सारी ऐसी गलतियां कर चुके होते हैं जो आप खुद ही अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते